जन सैलाब आज लखनऊ पूरा, आज ये रैली लखनऊ में हो रही है, मगर पूरा लखनऊ रैली में हो गया है। सारे चारों तरफ की सड़कें जाम हो गई हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नीली टोपी वाले यहां बैठे हुए हैं, आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के माननीय बीएल मातंग जी से आवे और इस मंच को संबोधित करें। माननीय बीएल मातंग जी, बोल 85, बोल 85, जय भीम, बीएल मातंग जिंदाबाद, वामन मेसराम जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी की संयुक्त रैली में आए हुए सभी कार्यकर्ता समर्थक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ साथ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, उन्होंने इस रैली पर संयुक्त रैली करने का जो फैसला किया, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 92 में मान्यवर कांचीराम साहब और मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी जब इकट्ठा आए थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दिया। आज वो दिन मुझे याद आ रहा है, दोबारा हम लोग इकट्ठा आ गए हैं। 25 साल हो गया, इन 25 सालों में बहुत सारा हमें लड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी सूझबूझ ने दोबारा इकट्ठा लाने का काम किया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि इतनी बड़ी रैली लखनऊ में संभव नहीं है, आप लोगों ने बड़ा काम कर लिया है। और हमने उनसे अनुरोध किया कि आप इस देश की राजनीति के कर्णधार है, अनुभवी है, आप चाहो तो 2019 में देश की राजनीति बदल सकते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और आप चाहो तो गठबंधन की दिशा भी बदल सकते हैं, और आपको यह करना चाहिए सा हमने अनुरोध किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, हम इसीलिए इधर आए हुए हैं, देश की दिशा बदलने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और यह दिशा बदलने वाली है। 2019 के चुनाव में ही यह देश की दिशा बदलने वाली है। साथियों, ये जनाक्रोश रैली, जनता में जो आक्रोश है, वो आक्रोश किन मुद्दों पर है, तो उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। उसके बाद भी 2014 का चुनाव हो गया, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो गए,
ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में। बीजेपी बजरंग दल के लोग कहते हैं कि 120 देश में 3 तलाक पर पाबंदी होनी चाहिए है, भारत में क्यों नहीं हो सकती? तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं 130 देश में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? देश में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तो सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम है, और ईवीएम के विरोध में यह लड़ाई हमारी शुरू है। उसके साथ मैं कहना चाहता हूं, मुसलमानों के विरोध में लगातार प्रतिक्रिया करकर हमारा इस्तेमाल हो रहा है, SC/ST/OBC का इस्तेमाल हो रहा है, और अभी नया उन्होंने दाव खेला था NCR का, नेशनल सिविल रिकॉर्ड, कि कौन कौन बांग्लादेशी है, कौन कौन पाकिस्तानी भारत में घुसे हुए है, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा RSS और बजरंग दल के लोग बोलते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे NCR का रिकॉर्ड रखना चाहते हो, आधार कार्ड दे रहे हो, BPL कार्ड बना रहे हो, तो इस देश में एक काम करो, DNA कार्ड जारी कर दो, कौन कौन विदेशी लोग घुसा हुआ है, DNA कार्ड जारी करो, कौन कौन से विदेशी लोग भारत के अंदर है, और उनकी विदेशी मानसिकता है बीजेपी वालों को, सरदार पटेल का पुतला बनाया, स्टेच्यू बनाया तो चाइना से बुलाया, और राफेल बुलाया तो फ्रांस से बुलाया, बुलेट ट्रेन चाहिए जापान से, तो मेक इन इंडिया में क्या केवल पकोड़े ही तलना है क्या? मेक इन इंडिया में केवल पकोड़े ही बनाना है क्या? जो विदेशी मानसिकता के लोग राज कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता विदेशी है, उन लोगों को 2019 के चुनाव में भगाने का काम करना चाहिए, भगाने का काम करना चाहिए। पिछड़े वर्ग के नाम पर वोट चाहिए, मैं पिछड़ी जाति का हूं, ऐसा नरेंद्र मोदी ने पिछड़े नाम पर वोट लिया, उसके बाद क्या हुआ? ना पिछड़े वर्ग का क्रिमिनल हटाया, 314 बच्चे यूपीएससी की एग्जाम पास किया, 314 बच्चे
बच्चे आईएएस बनने लायक थे, क्रिमिनल की वजह से आउट हो गए। आधे भारत के कलेक्टर होते अगर क्रिमिनल नहीं होता 25 साल में, आधे भारत के कलेक्टर ओबीसी के लोग होते। उन्होंने 56 इंच के सीने वाले ने वोट लिया, मेरा 56 इंच का सीना है। उनका तो एक ही 1 पॉइंट कार्यक्रम है, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और इस्तेमाल हमारा हो रहा है SC ST OBC का इस्तेमाल हो रहा है। अगर SC ST OBC और मुसलमानों में भाईचारा पैदा हो गया, 6 लाख गांव में RSS की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, नफरत की जो विचारधारा है, नफरत की और आपस में लड़वाने की विचारधारा है, जमीन में गाड़ देंगे, जमीन में। और इसीलिए हम लोग संयुक्त आए हैं, इसीलिए संयुक्त आए हैं हम लोग। इसके साथ समान एजुकेशन होना चाहिए, कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा किसके अंदर मेरिट है, तब पता चलेगा मेरिट किसके अंदर है। ये जो मुद्दे देश की दिशा तय करने वाले हैं, उनमें कोई भी काम नहीं हुआ, इसलिए नए नए मुद्दे बनाए जाते हैं। नए नए मुद्दे बनाए जाते हैं और लोगों का ध्यान अटकाया जाता है। आजकल तो नई फैशन आ गई, अरे तुम लोगों ने जातियों में बांटा, हमको समझ में आया, अब तुम देवी देवताओं को भी जातियों में बांट रहे हो। आजकल योगी जी बोल रहे के हनुमान दलित थे, अबे देवी देवता का भी जाति प्रमाण पत्र बनाओगे क्या? कितना गिरोगे? अरे गिरोगे तो कितना गिरोगे? क्या देवी देवता परास्त करेंगे? क्या आप परास्त करना चाहते हो? अगर आपके गांव में चौकीदार हो और चोरी हो जाए एक बार दो बार, तो आप क्या करोगे? चौकीदार बदल दोगे ना? चौकीदार बदल दोगे ना? 2019 के चुनाव में चौकीदार बदलना जरूरी है। और मुझे विश्वास है
मुझे विश्वास है ये काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी कर सकते हैं और हम माननीय शिवपाल सिंह यादव और माननीय वीएल मातंग कंधे से कंधा मिलाकर मुलायम सिंह के साथ खड़े रहेंगे अगर बीजेपी को परास्त करना है तो। हम बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और अगर आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे उन्होंने मौलाना साहब ने बड़ी तकरीर की कि जिस मंच पर मुलायम सिंह यादव जी हो वहां बीजेपी का सोच कैसे सकते हो आप लोग कैसे सोच सकते हो। इसलिए भ्रम पैदा किया जाएगा लेकिन हम लोग बीजेपी को परास्त करने के लिए मैदान में आए। आप सब तहे दिल से यहां पर पधारे हुए आपका शुक्रिया पूरा। आप लोग प्रदेश में फैल जाएंगे।